शांति मित्र कवि और उसके कृति में आपका स्वागत है व्यास जी ने मैं मुझे मिल गया में से किताब में से बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हमारे जीवन के बारे में लिखी हुई है जरूरी नहीं है कि मेरा जीवन है आपका जीवन भी हो सकता है साथ ही साथ पांच तत्वों के बारे में भी उन्होंने लिखा है हर एक व्यक्ति के बारे में उन्होंने लिखा है और वो कविताओं के साथ साथ उन्होंने उसकी व्याख्या भी हम के, हमें करके दिखा है मुझे तो बहुत पसंद आई आपको कैसे लगे ये आप ही जानते हैं हो सकता है आप अपना जवाब जरूर देंगे हमारी इस कविताओं को देख करके आज हम बात करेंगे एक ऐसे त्यौहार के बारे में जो व्यास जी ने उस त्यौहार की बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है वो त्यौहार है होली होली के बारे में भ्या, जी व्यास जी ने क्या लिखा है सीधा बात करते हैं ज़्यादा समय ना गवाते हैं व्यास जी से पूछते हैं कि होली के बारे में उन्होंने क्या लिखा है आइए बात करते हैं व्यास जी से व्यास जी आपका स्वागत है धन्यवाद आप हर बार कोई ना कोई कविता लेके आते हैं और उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने लिखी हुई हमें बहुत पसंद भी आई आज हम बात करेंगे आपके जो एक त्यौहार तो आपने है होली ये होली हर एक व्यक्ति बहुत उमंग उत्साह से मनाता है मुझे बहुत पसंद है उम्मीद है कि आपको भी बहुत पसंद आई आती होगी इससे पहले मैं आपसे कुछ आपके ही शब्दों में आप कहेंगे ये मुक्तक के पीछे ही पड़ गई <laughs> आपसे हम कुछ मुक्त सुनना चाहते हैं बहुत अच्छा। कविता आरंभ करने से पहले दो तीन छोटे छोटे मुख तक मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जी। एक नव, नवाचार शुरू हुआ है इस देश में कि मंचों के कार्यक्रमों में एक फोहड़ता आती जा रही है हमारे कहा छायावाद और रहस्यवाद के बाद कैसे आधुनिक काल के कवियों ने हिंदी भारतीय मंचों पर कविता को स्थापित किया यू समझिएगा बीच के दौर की कविताओं को नजर लग गई और इन दिनों हास्य बहुत तेजी से आ गया लाफ्टर ने मनोरंजन तो किया है हमारा पर उन्होंने हमारे संस्कारों पर आघात भी किया जी जी जी। हम आपको रिझाने के नाम पर कभी कभी अपनी पत्नी पर कभी अपने राष्ट्रीय नेताओं पर कभी धार्मिक महात्माओं पर यहाँ तक कभी भगवान से भी वो मजाकिया तौर पे अपनी बात करने में नहीं चूकते हैं मैं निवेदन करूँगा मेरे कवियों से भी विशालीनता बनाए रखें माँ सरस्वती की उपासना वो वाग देवी हमारी आद्य शक्ति है उसने कोई बहुत अलंकार नहीं पहने रंगीन वस्त्र नहीं पहने मेरी माँ सरस्वती सादगी के कपड़ों में हंस पर और वीणा के साथ अवतरित होती है अगर आप मुझे पूछ ले तो मैं निवेदन कर सकता हूँ कि माँ सरस्वती के दो हाथों में वीणा ही क्यों है वो इसलिए कि हमारी शिक्षा का 50 परसेंट म्यूजिक से होना चाहिए उसके एक हाथ में माला है इसलिए हमारा 25 प्रतिशत यानी 25 परसेंट स्पिरिचुअल पाठ्यक्रम होना चाहिए और एक हाथ में पुस्तक है हमारे जीवन में शिक्षा 25 प्रतिशत किताबों से होनी चाहिए यह कॉन्सेप्ट तो हुआ करता था कविता का भी यही कॉन्सेप्ट है लेकिन आज के दौर में मुझे दुख होता है इसलिए कविता जी मैंने एक मुक्तक लिखा है जो श्रोताओं को पसंद आएगा कि जौकरी कविता नहीं है केवल हंसा देना चुटकले पढ़ देना और बहुत बड़ा पेमेंट ले जाना ये कविता नहीं है जोकरी कविता नहीं है नालियां सरिता नहीं है अगर कोई बहती हुई नाली को नदी कहते तो ठीक लगेगा जोकरी कविता नहीं है नालियां सरिता नहीं है काव्य पूजा है मनुज की ये कुलवधु है पतिता नहीं है क्या बात है काव्य पूजा है मनुज की कविता करना मनुष्यता की पूजा है ये पतित नहीं है ये कुलवधू है ये भारतीय संस्कृति की एक आराध्य देवी है इसी के क्रम में एक दूसरा मुक्तक आपको और पसंद आएगा कि स्वप्न से जागो कभी तुम मैं श्रोताओं को कहता हूं ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कवि से कितनी शालीन कविताएं सुनना चाहते हैं केवल चुटकलों से जीवन नहीं बनता नहीं। स्वप्न से जागो कभी तुम सत्य को यदि देखना है जी। अगर सत्य को देखना है तो आपको सत्य से, से जागना पड़ेगा स्वप्न से जागना पड़ेगा स्वप्न से जागो कभी तुम सत्य को यदि देखना है अरे लक्ष्य निर्धारित करो अब मस्करी को फेंकना जी क्या बात है बहुत अच्छा। ये हंसी मजाक को आपको हटाना जी, 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 पड़ेगा जी, जी, और मेरा अंतिम मुक्त आपके चरणों में निवेदित करते हुए कहूंगा कि तुम भी लो करवट कभी तो शायरी बच जाएगी हम मैं तो अपना दायित्व कवियों के साथ पूरा निभा रहा हूँ लेकिन ये दोनों का युग्म है मित्रों तुम भी लो तुम भी लो करवट कभी तो शायरी बच जाएगी वरना ये अंधड़ चला तो पीढ़ियाँ मिट जाएगी वरना ये अंधड़ चला तो पीढ़ियाँ मिट जाएगी अब हास्य का इतना दौर आता है कि गीतकार उसमें बड़ा दबा दबा और बड़ी मायूसी में अपनी चीज प्रस्तुत करता है तो मेरा निवेदन है कवियों से और श्रोताओं से मेरे मुक्तक के जरिए मैं अब अपनी कविताओं पर आऊँ इसलिए मैंने आपके सम्मान में दो तीन बातें मुक्तकों के माध्यम से कही मैं अच्छा सोचता हूँ अच्छा जिसे उर्दू अच्छा, शायरी में शेर अपनी बात कहता है ना हिंदी कविता में मुक्तक वही जी, अपनी जी, बात कहता है आपको पसंद आया इसलिए जी अच्छा लगता बहुत अच्छा मैं और भी मुक्तकों के साथ आऊंगा बहुत होली किस ने मिलन की मैं दुहाई दे दूं वाह 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 ऐसा कुछ बात तुम्हारे ऐसी कुछ, कुछ बात तुम्हारे ही जहन की कह दूं जी इस नई शैली में से एक मोड़ जिंदगी ले ले हम बाहर की ही नहीं भीतर की भी होली के वाह 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 वा। बहुत अच्छा ये छंद मंचों पर बहुत चले जी इन छंदों ने मेरे व्यक्तिगत जीवन को मेरे परिवार को और मेरे मित्रों को बहुत कुछ नई दृष्टि दी इसमें एक शब्द आया इस नई शैली से जी, इस एक पुरानी शैली तो होली की आती है हमारे यहाँ दो होलियां मनाई जाती है एक तो जलने वाली होली जी, और एक फाग और रंग की होली जी, एक ब्रज में आती है लठमार होली जी, होली के बड़े प्रकार है ब्रज में अलग है अवध में अलग है हमारे राजस्थान में अलग है तो मैं पहले इस छंद को गाऊ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा मैं आपसे मिल रहा हूँ ये भी एक होली जी। मैंने अब तक कविता का जो कुछ भी लिखा वो मेरा ये पुस्तक मेरा काव्य का टब है जिसमें बहुत सारे कविताओं के रंग है जी। और मैं समझू कविता आपको अगर एक फिलहाल में पिचकारी मान लूँ तो मेरे इस टब में से कुछ रंग भर के मेरे श्रोताओं तक डालूँ और उनके कुछ कैसर के छींटे अगर उनके हृदय पे पड़ जाए तो मेरा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा जी। जी। आप छंद सुनिएगा होली के मिलन की मैं दुहाई दे दूँ आपको बधाई देता हूँ कि आज हम मंच पर भी होली ही खेल रहे हैं होली के स्नेह मिलन की मैं दुहाई दे दूं ऐसी कुछ बात तुम्हारे ही जहन की कह दूं मेरे श्रोता के मन के कोमल भावों को भी मैं अपने शब्द दे रहा हूँ होली के स्नेह मिलन की मैं दुहाई दे दूं ऐसी कुछ बात तुम्हारे ही जहन की कह दूं इस नई शैली से मोड़ जिंदगी ले ले पुरानी शैली से जिंदगी में मोड़ नहीं आएगा हम ऐसे के ऐसे ही रहेंगे आप देखिएगा वर्ष भर में वर्षों में जिन मनुष्यों के जीवन में तनाव क्रोध आवेश वो होली के दिन गालियाँ निकालते हैं हमारे होली के त्यौहार पर अगर आपको किसी से कुछ वेमनश्य और बदला लेना हो तो होली के दिन आप उसके घर और ग्रुप में चले जाओ उसे किसी भी तरह की पीड़ा पहुंचा सकते हो ये होली नहीं है मेरा क्या निवेदन है इसमें इस नई शैली से मोड़ जिंदगी ले ले इस नई शैली से मोड़ जिंदगी ले ले हम बाहर की ही नहीं भीतरी होली खेले हम बाहर की ही नहीं भीतरी होली खेले मैं सोचता हूँ आप जरूर इस पर बहुत सारे प्रश्न करेगी भीतरी हम हाँ, बाहर की ही हाँ, नहीं मतलब भीतरी हाँ, भीतरी हाँ, किस तरह से होली अरे बढ़िया बात कही भाई ये नई शैली तभी बनेगी कविता जी जब बाहर की होली का तो आपको पता हो गया बताया मैंने एक होली का दहन होता है एक वृक्ष को काट करके और हम तो पर्यावरण को भी होली के नाम पे बड़ा दूषित करते हैं बहुत सारे बच्चे हरे वृक्षों को काट के उस दिन होली बना देंगे गोबर के वो इस तरह के वो गोल गोल बना के के वहाँ अग्नि है घास है पूस है बिजली के तार आ रहे हैं बड़े नुकसान होते जगह जगह हमने गड्ढे खोल दिए और इन होलियों को मनाने के बाद मुझे मनुष्यता में कोई अंतर नहीं आया इसलिए मैंने एक नई बात की कि हम बाहर की होली तो खेलें पर इसके साथ एक भीतर, भीतर की, की होली, भी होली, होली भी खेलें जिसे साधना की होली कहते हैं जिसे ध्यान की होली कहते हैं जैन धर्म में जिसे प्रतिक्रमण और साम होली कहते हैं गायत्री और सनातन धर्म में जिसे संध्या नाम की होली कहते हैं और आप जब क्राइस्ट और उसमें आप कोई पूजा और आप प्रार्थना के नाम से कहते हैं तो एक भीतर उतर करके भी आप परमात्मा से होली खेले जहां विचार बिल्कुल नहीं आए जहां निर्विचारिता के वातावरण में आप प्रभु प्रेम को रंग में क्योंकि भीतर की होरी खेलने के बाद आपके भेद सारे मिट जाएंगे आपका वे मनुष्य खत्म हो जाएगा आपकी कटुता खत्म हो जाएगी और आपके अंदर एक इनर वर्ल्ड में एक ऐसी ब्यूटी उभर के आएगी कि अरे मैं कौन हूँ मैं केवल रंगों से खेल रहा हूँ मैं पग पग पर हर आदमी के साथ रंग बदलता हूँ जिनसे मुझे प्रेम नहीं है मैं उनसे भी एक्टिंग करके प्रेम का अभिनय करना पड़ता है जिनके साथ मुझे स्वार्थ निभाना होता है उसे मैं चापलूसी के रूप में करता हूँ ये सारे मास ये जितने मुखोटे हैं कविता जी झर जाएंगे जिस दिन हम भीतर की होली में उतर जाएंगे क्या बात है बहुत अच्छे आगा है जी। सिर्फ एक रंग में रंगने के लिए होली है सिर्फ एक, एक रंग, रंग में रंगने, रंगने के, के लिए। हो। अभी तो हम होली पर बहुत सारे रंगों का प्रयोग करते हैं लाल पीला हरा गुलाबी तो वो एक खेलना चाहिए वो बाहर की होली का अब भीतरी होली का ही चर्चा इस नई शैली का वर्णन होता तो दूसरा बंद इसका है सिर्फ एक पढ़िएगा आप मजा आएगा सिर्फ एक रंग में रंगने के लिए होली खेले कवि शिव ने तो कभी कन्हैया ने खेली होली आप देखो केवल हमने भी हमने शिव और कन्हैया को देखा तो नहीं है ना हम सुनते आए हैं कि एक शिव की सत्ता होती है एक कन्हैया होता है ब्रज में खेलता है बड़ी शालीन तरह रास रचता है शिव ध्यान की और समाधि की होली खेलते हैं उसके आनंद क्या उसके आनंद की अभिव्यक्ति जीभ पे नहीं आएगी कविता जी भीतर के आनंद की जब होली खेल ली जाती है तो गिरा जीभ बंद हो जाती है और आंखों में एक चमक उभर आती है वो व्यक्ति जो भीतरी होली खेल के अपने घर से बाहर निकलेगा उसके रेत नेत्र रूहानी हो जाते हैं। वो जहाँ जहाँ दृष्टिपात करेगा ना कायनात और प्रकृति को बदलने की ताक़त रखता है तो इस छंद को मैं गा के सुनाता हूँ मुझे अच्छा लगेगा सिर्फ एक रंग में रंगने के लिए होली है श्रोताओं में आपको सुझाव नहीं दे रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ बहुत सारे रंग को छोड़ के एक रंग पकड़ो और वो रंग है प्रेम का रंग महापुरुषों ने कहा है इस बात को बहुत जगह कहा है हमारी दुनिया का एक ही रोग है वो है मनुष्यता का रोग अहंकार और उसको मिटाने की एक ही औषधि है वो है प्रेम अगर आप प्रेम में एक सबसे बड़ी चीज होती है लव मीन्स ओनली टू प्रोवाइड नॉट टू गेन केवल देना दूसरे को देने ये पूरा जगत जो है मैं एक महावाक्य पढ़ रहा था बाबा का बहुत अच्छा लगा कि ये हमारे कल्प की अंतिम बेला है या हर आत्मा खाली कटोरा लेके फिर रही है तुम क्यों किसी से अपेक्षा करते हो अरे बताओ खाली आत्मा तुम्हें क्या देगी अगर तुम्हें अपने कटोरे को भरना ही है तो उस भगवान शिव की आराधना में बैठ जाओ अमृत वेले पे बैठ जाओ और अपनी झोली को भगवान जो फाग खेल के भेजता है उस सुबह अमृत वेले में उससे कुछ केसर के चीटे डलवाओ कविता जी हमने डलाया है इसलिए कह रहे हैं सिर्फ एक रंग में रंगने के लिए होली है कभी शिव ने तो कभी काना ने खेली है सनातन धर्म के और भक्ति मार्ग के लोग जानते होंगे एक को योगेश्वर और एक को योगीश्वर कहते हैं हम शिव और कृष्ण का बड़ा गहरा संबंध है और हमारे के ज्ञान के क्षेत्र में शिव को निराकार का है और कृष्ण को साकार का है और वो सतयुगी आत्मा में कृष्ण फिर से अवतरित हो रहा है जो ज्ञान मार्ग के लोग हैं वे मेरी बात को समझेंगे सिर्फ एक रंग में रंगने के लिए होली है कभी शिव ने तो कभी काना ने खेली है कविता जी यहाँ पंक्तियाँ देखेगा सारी नफरत वो घुटन जिंदगी से धुल जाए ये होली है सारी नफरत वो घुटन जिंदगी से धुल जाए दिल के दरवाजे जो भी बंद आज खुल मेरा तो इस इंटरव्यू में टॉक शो में खुल ही गया है कविता जी मुझे भी लग रहा है मुझे लगता है परमात्मा की कोई बहुत कृपा होती है जब इस सृष्टि पर ऐसे नए सृजन के आयाम और कवि सम्मेलनों की उस भीड़ भरे माहौल में कुछ चुनिंदा कवियों को आप अपने शो पर बुलाती हैं और एक महती महत्ता उसे देने के बाद कहते हैं शिव यही कह रहे हैं कि सारी नफ़रत और घुटन जिंदगी से धुल जाए आपको पता है आजकल घुटनों में रोग होता है क्यों होता है वो घुटन के कारण ही होता है हम अंदर ही अंदर घुटरे रहते तो घुटन का रोग हो जाता है मैं इस क्रम में कुछ टिप्पणियाँ भी करता हूँ मुझे एक बहुत अच्छे डॉक्टर मिले उनको साइटिका हो गया उन्होंने मुझे पूछा व्यास जी मैं डॉक्टर हूँ मुझे साई टीका कैसे हो गया मैंने कहा आप डॉक्टर है इसका कारण मैं कैसे बताऊं पर मैं ज्ञान मार्ग का आदमी आपसे निवेदन करूँ मुझे लगता है आप साई पे नहीं टिके इसलिए आपको साई टीका हो गया <laughs> अगर <laughs> आप परमात्मा <laughs> पे टिकते <थे>, आप योग <laughs> पे टिक तो जाते शायद हैं, तो शायद नहीं तो शायद आपको नहीं होता ये कुछ बीच बीच की फुलझड़िया में किसी को बुरा नहीं लगे क्योंकि शब्द अपने आप में एक कविता शब्द अपने आप में एक कविता है तो मैंने निवेदन किया सारे नफरत घुटन जिंदगी से धुल जाए इसमें दो बात हो रहा है नफरत किससे होती है दूसरों से हम नफरत करते हैं कभी आदमी को अपने आप से नफरत नहीं होती क्योंकि उसको तो यह पता मैं तो विश्व की सर्वोच्च आत्मा हूँ वो नफ़रत दूसरों से करता है पर घुटन खुद से होती है ये ध्यान रखेगा तो जो बहुत घुटता है ना अंदर ही अंदर उसी को हार्ट अटैक या है, ब्रेन हेमरेज होता है अगर वो इस तरह से कविताओं से अपना आदान प्रदान करें ना तो मैं सोचता हूँ कि अपने अपना जो कहना चाहिए कोई घुटन का भाव भी है जाहिर कर देने से तो एक शेर है यहाँ कि दिल ही दिल में खामोशी के शरारे ना घोलो दिल ही दिल में खामोशी के शरारे ना घोलो सांस घुट जाएगी इजहार की खिड़की खोलो जी, कह दो यार किसी को कह दो हम कह देते हैं इसलिए हल्के हो जाते हैं तो सारी नफरत वो घुटन जिंदगी से धुल जाए सारी नफरत वो घुटन जिंदगी से धुल जाए दिल के दरवाजे जो भी बंद आज खुल जाए कविता इसके अंतिम छंद पर आइएगा आपको मेरा मूड हो गया कविता जी बिल्कुल बीच में आप रुकावट मत करिए तीसरा बंद पड़िएगा अब तो खोजो से भी नहीं मिलता है पुराना अब तो खोजे से भी नहीं मिलता है पुराना घर आगे क्या है सब अपनों, अपनों के, के बीच में, में भी हर कदम पे छा आपको महसूस हुआ कभी ये कि हमको अब अपने लोगों के बीच रहने में भी डर लगने लगा बोला हाँ हमें अपरिचित से फिलहाल कोई डर नहीं है पर जो हमें जानता है कविता जी उससे कम से कम मुझे तो बहुत डर लगता है इतना गहराई से तो अब इसमें एक छंद आया अब तो खोजे से भी नहीं मिलता है पुराना घर क्योंकि खोजने भी जाए तो शहरों में घर नहीं मिलते हैं अब तो मकान मिलने लगे घर मिट्टी ईट से नहीं बनता है मोहब्बत से बनता है प्रेम से बनता है तो आप शहरों में जाएंगे फ्लैट सिस्टम है संस्कृति है वहाँ आदमी नहीं रहता कविता जी वहाँ रोबोट रहता है और उसे नमस्ते भी करो तो ऐसा लगता है जैसे आर एफ सी के लोन की किस्त दे रहा हो मैंने पहले भी ये कविता में एक बात जगह शायद कही है। मैं इसको बार बार इसलिए कहता हूँ कि कुछ डायलॉग्स है जो मेरे हर कविता में कमेंट्री पे रिपीट होते हैं ताकि वो अंडरलाइन होता है कि मैं कुछ आपको से निवेदन कर सकूँ और अगर आपके चेतना के किसी शर्ट पर अगर कुछ सल आ गए यार तो मेरी प्रेस कर वालों में सल निकाल दूंगा अब तो खोजे से भी नहीं मिलता है पुराना घर अपनों के बीच में भी हर कदम छाया है डर छंद के अंतिम दो लाइनें सुनिए घर को गोदाम में बदलने की साजिश है एक मार्केट इतना तेजी से आ गया व्यापार उसने हमारे घरों और मकानों को बर्बाद कर दिया हमारा वस्तुओं से बहुत प्रेम है चेतना से हमारा प्रेम नहीं है हमने घर को गोदाम कर लिया मैं आपको बताऊं मेरे गांव का सच्ची किस्सा बताता हूं बहुत जगह अगर किसी दिन किसी हड़ताल के कारण कोई किसी गांव में दुकानें बंद हो जाए और किसी को भारतीय संस्कृति में विवाह के तौर पर अपनी बहन को मायरा ले जाना पड़े और कपड़े नहीं मिले कविता जी आप किसी भी घर की महिला के जाके कुंडी खटखटाना सौ पचास साड़ियाँ तो उसके घर में मिल जाए बीस पच्चीस आप उसको पहनने के अन्य वस्त्र मिल जाएंगे मैं ये व्यंग नहीं कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि वस्तुओं के प्रति हमारा इतना रुझान हो गया कि हमने हमारे कमरे में बच्चों के खेलने के लिए आंगन भी नहीं रखा जबकि भारतीय संस्कृति में चौपाई है मंगल भवना मंगलहारी द्रवस दशरथ अजीर बिहारी अजीर कहते हैं आंगन को इधर सोफा पड़ा है इधर अलमारी है इधर डाइनिंग टेबल है इधर ड्रेसिंग टेबल बच्चा कहाँ खेलेगा हर जगह हर अलमारियों में हमने सामान भर रखे हमारी दृष्टि दूर तक जाती नहीं इसलिए मैंने इसमें आपसे गुजारिश की है घर को गोदाम में बदलने की साजिश है घर को गोदाम में बदलने की साजिश है इसको रोको मोहब्बत से मेरी गुजारिश है मैं आपके जरिए ऑडियंस तक पहुंचा रहा हूँ प्रेम के लिए वस्तुओं की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं अगर आपके हृदय में प्रेमी है प्रेम है अतिथि भी घर पे आया तो वो नीचे आसन पे बैठ जाएगा वे कम साधन जरिए कि भी आपका आतिथ्य स्वीकार कर लेगा अन्यथा बहुत ऐश्वर्य आपके घर में है और आपका प्रेम नहीं है बहुत बार तो बड़े लोग हमको डाइनिंग टेबल पे बिठा के ये कह के चले जाते हैं प्लीज़ भैया जी आप भोजन करिए मैं थोड़ा एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ कविता जी बताइए वहाँ मेरा भोजन गले उतरेगा क्या भले ही मैं भूखा हूँ नहीं इस देश में आतिथ्य को अतिथि को देवता माना गया है इन तीन छंदों के माध्यम से होली को मैंने और यही ज्ञान में आगे जाके हम होली हंसों की भी बात करते हैं ये होली बड़े अर्थों में आएगी इस पवित्रता के रूप में आएगी और हम होली निश्चित रूप से खेले वो है अमृत वेले की ध्यान की योग की जिसमें हमारी सारी इच्छाएं कामनाएं वर्जनाएं धारणाएं मान्यताएं पुराने संस्कार जल के भस्म हो जाते हैं और फिर हम परमात्मा के प्रेम का एक ऐसा वस्त्र पहन के निकलते हैं जिसकी श्वेतता सादगी और पवित्रता से देखने वाले की आँखें धन्य हो जाती कि कोई फरिश्ता पृथ्वी पर चल रहा एक बात है जैसे आपने ये पंक्तियाँ लिखी हुई हैं ये पंक्तियाँ आप जब स्टेज में गाते हैं जी तो कभी आपके मन में ये ऐसा सवाल नहीं उठा कि मैं तो गा रहा हूँ सुना रहा हूँ लेकिन ये पंक्तियों की व्याख्या मैं किसके सामने करूं? नहीं कभी नहीं आया ये बिल्कुल दो मेरे जीवन का पहला अनुभव है जहाँ मुझे इसकी व्याख्या करनी पड़ती है देखो आपको सामने कोई बढ़िया बर्फी और गुलाब जामुन लाए और दोनों प्रस्तुत कर दे तो खाने के बाद आंखें ही बंद हो जाती अब वो उसकी रेसिपी मुझे पूछने लगे तो बोल परेशानी हो जाएगी कविता जी <laughs> कि मैंने मैदा लाया मैंने मावा लाया फिर उसको कढ़ाई चढ़ाई सिम पे किया फिर उसको दीर... जो खाने में आनंद आया चेहरा बता देगा तो जब हम कविता को पढ़ते हैं ना तो ऑडियंस हमारे मुख की आकृति को देख के खुद भी इतने मस्त हो जाते हैं कि उनके प्रश्न झड़ जाते हैं बहुत बार कविता सुनने के बाद कविता अपना काम कर जाती है लेकिन कभी कभी आपकी हाँ, कविता है, है वो इसलिए तब उस समय मुझे कुछ टिप्पणियां करनी पड़ती बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि उस समय मुझे मैंने किस फीलिंग में लिखा भाव के किस धरातल पर लिखा कोई बारीक बात आई है कोई शब्द है या कोई फ्रेज आया है या कहीं मुहावरे का प्रयोग किया है तो मुझे समझाना पड़ता है क्योंकि विज्ञान में भी आपने देखा होगा कोई लकड़ी पानी में टेढ़ी दिखती है होती नहीं है कभी कभी श्रोता अपने अनुसार मेरी लाइन को समझ जाता है तो ऑब्जेक्शन भी हो जाता तब हम प्यार से समझाते कि मित्र मेरा आशय यहाँ यो था मतलब मैंने अंगुली से हाँ हो जाता मैंने अंगुली से चाँद बताया तो लोग मेरी अंगुली को चांद समझ के पकड़ लेते हैं नो, नो 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 मैं इशारा चाँद की तरफ कर रहा हूँ तो ये जो बात है कविता में कि मैं व्यंग कर रहा हूँ मैं आप किसी मूल्य पर अपनी पुष्टि कर रहा हूँ कुछ ह्यूमन वैल्यूज़ पर मैं अपनी बात कर रहा हूँ या आपकी कोई विकृति पर संकेत कर रहा हूँ व्यंग कर रहा हूँ कि वो कमी आपसे निकल जाए वो मक्खन में जो एक बाल आ रहा है उसे मैं व्यंग के जरिए निकाल के रख दूँ तो आपके जीवन की धन्यता हो जाए इसलिए कभी टिप्पणियाँ करनी भी पड़ती है कभी नहीं भी करनी पड़ती ये एक अलग शो है इसमें मुझे आपसे कुछ गुफ्तगु करनी जी आगे आपने होली के साथ साथ एक क्षणिका लिखी है आपने शीर्षक देखा होगा क्षणिका एक क्षण में जो अपनी बात किया जाए मुक्तक लंबी है कविता खूब टाइम लग ये क्षणिका एक कणिका का, का काम करती है आपने कभी चावल पुलाव बनाया हो इतने सारे भिगोते उसमें से आप एक कण निकालते हैं कणिका तो आजकल आप देखिएगा विवाह संस्कार में जो हमारे कार्ड बनते हैं उसमें पिता अपनी बिटिया के लिए इस शब्द का प्रयोग भी करता कणिका मेरे हृदय की कणिका तो मेरी जिंदगी की ये क्षणिका है बहुत हाँ बोली ये थोड़ी गंभीर है इस ये दिखेगी आपको छोटी सी एक बार आप इसको पूरा पढ़ दो तो मैं इसके बैकग्राउंड और पृष्ठभूमि के साथ में इसको थोड़ा सा ये बहुत उन्नत करती आपको और बता दूं मैं इसका विवेचन सुनना चाहें ये वही क्षणिका है जिसे 1973 में मैंने हरिवंश राय बच्चन जी को लिख के भेजी क्या, क्या आप वो कल्पना वो कर सकते हैं मेरे वो पास वो है वो नहीं नहीं तो इसके रिप्लाई में गुलमर्ग वो बॉम्बे में उनका घर हुआ करता था इतना बड़ा एक परिशिष्ट इस इतना करीब आप देखिएगा एक फिट का बारह इंच का एक लेटर उन्होंने मुझे लिखा और इतने निर्देश लिखे केवल इस क्षणिका को देख के और जब मेरे गांव हमीरगढ़ में वो लेटर आया ना तो लोगों को भरोसा नहीं आया कि व्यास जैसे जो एमए अभी कर रहा है उसकी जिंदगी में हरिवंश राय बच्चन का पत्र वो आज भी सुरक्षित है मेरे घर पे मेरी डायरी में तो क्षणिका को जरा सुनाइएगा क्या है इसमें जी प्रश्न यही है हाँ शीर्षक है प्रश्न यही है, है जी देहरी पर मंडी अल्पना हाँ मेरे जीवन के चित्र खींच जाती है अब आप रुकेगा मैं गांव के माहौल करा एक कच्चा घर हुआ करता था मेरी माँ रसोई बनाती थी मैं जिस जगह पल्ला पढ़ा मेरे पिताश्री बहुत अच्छे शिक्षक संगीतज्ञ और कवि थे तो आप कल्पना कर सकते कच्चे घर में मेरे पिता ने एक प्राइवेट स्कूल चलाया व्यास प्राइवेट पाठशाला जिसमें भोजनशाला होती थी पाठशाला होती थी और गौशाला होती थी थ्री डायमेंशनल जगह थी मेरी और दीपावली पर मेरी माँ कच्चे आंगन पर पीली का वो नीपने के बाद सफेद खड़िया से ऐसी वो चित्र बनाती है जिसको आप लोग चित्रांगन में अल्पना कहते हैं बस वो मैंने एक बार मेरी मदर को पूछा माँ ये तुम क्या बनाती हो वहीं से ये क्षणिक आई देहरी पर मंडी अल्पना मेरे जीवन के चित्र खींच जाती है अफसोस कि मैं उसे अब तक भी नहीं समझ पाता मैं, मैं नहीं समझ, समझ पाया कि माँ क्या बना रही मुझे लगा मेरी माँ मेरा फ्यूचर बना रही है और आज जब इस मकाम पर आया तो मुझे सच लगा कि अल्पना में मेरी माँ ने मेरी जीवन की कुंडली होरोस्कोप बना दिया देरी पर मंडी अल्पना मेरे जीवन के चित्र खींच जाती है अफसोस है कि उस मैं उसे अब तक भी नहीं समझ पाता हूं आगे देखिएगा ये, ये कुछ भी नहीं है वो रेखाएं नहीं है बोलिए आगे एक है एक मनस्थिति शाश्वत परिस्थिति उन रेखाओं में मैंने दो चीज सीखी एक है मनस्थिति एक है शाश्वत परिस्थिति उस समय मैं एम ए कर रहा था मैं जॉब में आऊंगा कि नहीं आऊँगा मेरा फ्यूचर क्या होगा मैं मैं उन रेखाओं में मेरी माँ के बनाए हुए अल्पना में डूं है एक मनस्थिति शाश्वत परिस्थिति बनी रहेगी इसे हंस हंस कर जीवू या रो रो कर अब आप समझ गए होंगे प्रश्न यही है।, है और प्रश्न का उत्तर क्या है जब जीना ही है तो रो रो के क्या जीना कविता जी मस्ती से जीना और यहाँ क्षणिका का आंसर मिल जाता है बच्चन जी ने मुझे इस पर क्या आशीष दिया उन्होंने कहा व्यास जी अच्छे कवि बनोगे मेरी दुआएं खूब भक्ति साहित्य पढ़ो हिंदी साहित्य के महान कवियों आदि काल से लगा करके आधुनिक काल तक के काव्य शास्त्र का विवेचन करो कवि सम्मेलनों में आने का उतावलापन मत करना मैंने पैंतीस साल पच्चीस साल कविताएं हिंदी के मंचों के महान कवियों की बैठ के सुनी उसके बाद भगवती ने मुझे भी गोद में लिया आज मैं देश के चयनित गीतकारों में नाम आता है मेरा और बाबा के ज्ञान में आने के बाद तो बहुत ही क्या कहूँ ऐसे ऐसे काव्य और छंद बन जाते हैं कविता जी कहीं साधारण बातचीत कभी ट्रेन बस और हवाई जहाज़ में भी कभी बोलने का गुफ्तगु मौका तो लोगों की इतनी कृपा है कि जीनियस के साथ जी। एक क्षण में वो मिल जाता है जो मूर्खों के साथ उम्र गुजारने पर नहीं जी जी बहुत अच्छे व्यास जी आज आपने होली के छंद में एक प्रेम की भाषा बोली जी। कि किस तरह से हमें प्रेम के साथ रहना है कैसे प्रेम के साथ चलना है कि प्रेम अगर हम दूसरों से करेंगे तो भगवान भी हमारे साथ चलने के लिए राजी हो जाएगा आप हमारे इस कार्यक्रम में आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों सुना आपने होली के क्षण साथ ही साथ क्षणिका प्रश्न यही है हमारे जीवन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं लेकिन उनको हल करने की शक्ति भी हमारे अंदर ही होती है कैसे हम उसे हल करें होली के क्षण में व्यास जी ने ये कहा कि हमें प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ चलना है अगर हम प्रेम एक दूसरे के साथ करेंगे साथ ही साथ परमात्मा के साथ भी प्रेम से सच्चाई से चलेंगे परमात्मा भी हमारे साथ चलने के लिए राजी हो जाता है इस कविता में यही विराम देती हूँ अगली कड़ी में नई कविता के साथ आपके समक्ष हाज़िर होंगी दीजिए इजाज़त इस कविता को धन्यवाद ओम शांति